दोस्तों, इस फ्लैट को शुरू करने से पहले एक बात सुनना चाहूंगा आज मैं। पता क्या, ये फ्लैट पता क्या जहर, कतई जहर। दिल्ली वाली भाषा में दिल्ली वाला फ्लैट बेचूंगा और गजब चीज है गाइस, सच बता रहा हूं। द्वारका मोड़ पे फ्लैट पड़ता है, कोई उत्तम नगर ट्रैफिक नहीं, सीधा अपना द्वारका निकलो बाहर बाहर से और बढ़िया लोकेशन और बढ़िया फ्लैट शायद नहीं मिलेगा आपको गाइस। तुम्हारा भाई लेके आया, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत बढ़िया चीज है गाइस, सच बता रहा हूं। कमल एसोसिएट में कैसे हो आप लोग? आज ना चीज ना कसम से बता रहा हूं, ऐसी लेके आया हूं ना गाइस, ऐसी चीज शायद ना पैदल घूमो, गाड़ी में घूमो, बाइक पे घूमो, स्कूटर में, वो चीज नहीं मिलेगी ऐसी शानदार दमदार चीज, सच बता रहा हूं। बहुत ही पावरफुल फ्लैट है, मतलब ना एनर्जी डाउन हो गई थी, टाइम अभी हो रहा है, रात के शाम के 8 बज चुके हैं, मैंने कहा वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, और फ्लैट में घुसते साथ ना अपने फ्लैट में घुसने के साथ ही एनर्जी मेरी डबल ट्रिपल चौकल हो गई गाइस। ऐसी मजबूती में फ्लैट बन रखा है, ऐसी लुक में फ्लैट बन रखा है, सोच से आपके ऊपर ऐसा फ्लैट है, बहुत प्यारा फ्लैट है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका काम हो रखा है, चेक कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क। और फिर से वही वॉलपेपर जो मेरे पार्टनर ने चूज किया था, वही वाला वॉलपेपर गाइस आप देख सकते हैं, पूरा एंड टू एंड, मतलब डबल वॉल पे सर वॉलपेपर लगा रखा है, मतलब खर्चे में ना तुम्हारे भाई ने कमी नहीं छोड़ी सर। वॉलपेपर सस्ती चीज होती, महंगी चीज होती, तब भी तुम्हारे भाई ने पूरा यहां से लेके पूरा एंड डबल डबल वॉल पे वॉलपेपर लगा रखा है गाइस। बहुत अच्छी लुक बना रही है गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब ग्लास का वर्क और क्या, प्लस बीच में डेकोरेटिव आइटम लगा दिए, फोकस लाइट जो है ना इसकी दम दम दे रही सर फ्लैट में गाइस, आप देख सकते हैं चीज में दम कितना बढ़िया आ रहा है। और गाइस लिविंग एरिया जो हम अभी खड़े हैं, लिविंग एरिया के सामने ही इतना ग्रैंड साइज का टीवी पैनल गाइस, इसमें ना अपना लगाओ कम से कम 60 इंची वाला एलईडी पैनल, एलईडी पूरा एलईडी पैनल, तुम्हारा भाई गिफ्ट नहीं देगा, खरीदना तुम्हें, पर इतनी शानदार लुक आएगी ना सर, इतना बड़ा टीवी पैनल, जब इतने बड़े टीवी में ना मजा आ जाएगा, चीज में दम आ जाएगा, कसम बता रहा हूँ। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने लगता हूँ मेरा टीवी पैनल सर, कितना क्वालिटी का टीवी पैनल, देखते इतना बड़ा टीवी, मतलब आई स्ट्रेच में फुल हैंड, सब भी मेरे हाथों में पूरा नहीं आ रहा, मतलब काम में कमी, पैसों में कमी कहीं भी नहीं गाइस, एक्चुअल में दमदार चीज, दमदार फ्लैट। आप देख रहे हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है गाइस, आप देख सकते हैं मेरी रेडबुल भी यहाँ पड़ी है, इसको देख के ना हमेशा याद रखना पुलकित तो मुमकिन है, एक्चुअल में जो सा फ्लैट होगा वैसा फ्लैट ला के दूंगा, इतनी शानदार चीज सर एक्चुअल में ना आपको मिल भी नहीं पाएगी पूरी मार्केट में, दैट्स फॉर श्योर, मेरी गारंटी है सर, वर्ड्स पे लिख के दूंगा, ऐसा फ्लैट आपको मिल गया ऐसे प्राइस में, प्राइसिंग जब बताऊंगा ना सर इंडस्ट्री में हिलेगी हिलेगी, आप ही जाओगे, ऐसा प्राइस 100 गज का पूरा फ्लैट आता है, इतना बड़ा स्ट्रेचफुल एरिया में फ्लैट है मेरा गाइस। इस वाले प्लॉट का मैं आपको थोड़ा सा ना स्टोरी बताता हूँ, मतलब एक थोड़ी सी हमारी पुरानी स्टोरी, फिर वाला फ्लैट कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी क्या रही हमारी इसकी गाइस, मतलब ये वाला जो हमने प्लॉट किया था, पूरा हमारा 1000 गज का प्लॉट था, पूरा 3 साइड ओपन हमारा प्लॉट था, ओके 3 साइड ओपन वाले प्लॉट में हमने क्या करा गाइस, हमने पहले 500 गज बनाया, 500 गज पूरा बिक गया, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, हम देसी तरीके से माल बेचते थे अपना, बिल्कुल देसी तरीके से, मतलब कि ठीक है डीलर से बेच दिया, डीलर से हमने ले लिया, अब हमने क्या सिस्टम बना दिया कि अपने काउंटर से खुद माल बेचेंगे। तो गाइस 500 गज पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके बाद मैंने 7 मई, मतलब 3 साइड का मेरा ओपन प्लॉट है वाला 1000 गज का, 500 बना, 500 पूरा था, अब बन गया हमारा 3 साइड का प्लॉट। अब 3 साइड में 467 गज में इतनी प्यारा फ्लैट सर, 3 साइड फ्लैट, मतलब देख रहे प्लॉट पूरा, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था 3 साइड का, बताओ आप, मैं बताता हूँ आपको गाइस, आप नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूँ, आपकी गाड़ी कहीं भी तीनों कोनों में से कहीं से भी निकल सकती है, तीनों जगह से आपका गेटिंग का है, रात के 2 बजे आपको कहीं जाना है आप नहीं जा सकते फॉर श्योर, क्योंकि आपका क्या गाड़ी लग रखी है 3 साइड वाले प्लॉट में, कहीं से भी गेट खोलो, कहीं से भी गाड़ी खोलो, अपने पोजिशन पहुंचो, जहाँ पहुंचना है, तो देर इज नो वरीज दैट। और मैं गाइस आपको बताता हूँ मेरे प्लॉट की स्टोरी गाइस, मैं कभी नहीं कहता कि मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरा कोई गलत गंदा काम करता, बट मैं अपना काम बताऊंगा मैंने क्या काम करा है सर ये वाले प्लॉट का, आप पड़ोसियों से पूछ सकते हो आके, कम से कम 4 महीने में पहला लेंटर डाला था, जो पार्किंग वाला लेंटर होता है, समझ रहे हो, उसकी वजह क्या सर, सर सारा 25 mm का मोटा सरिया डाला था, मतलब काम ऐसा कर रहा था, लोगों के फोन आते भाई क्या कर रहे हैं, इतने दिनों के पहले लेंटर है मैंने, कोई बात नहीं है काम करना क्वालिटी में कर रहे हैं, तो नहीं करना कसी बात और गाइस, इतना बढ़िया, मतलब इसका जो है ना स्ट्रेंथ पूरा 25 mm का नीचे से लेके टिल पार्किंग टिल द टॉप टिल पार्किंग, मतलब पार्किंग से लेके ऊपर तक, और बिल्डर से करते हैं मैं आपको बताता हूँ आज, 25 mm का नीचे डाला,
फिर डालते 20 mm का, फिर डालते 15 mm का, ऐसे तक करके चलते। सर मैंने नीचे से लेके 25 mm ऊपर तक और नीचे की सर खुदाई 6 फुट गहरा गड्ढा खोदा था, तब जाके सर मैंने इसकी फाउंडेशन बनाई है। मतलब फाउंडेशन है मेरे को लग गया सर 4 महीने, जितने में और बिल्डर 6 महीने पूरे 4 लेंटर खड़े करते थे, पर मैंने फाउंडेशन में 4 महीने लगाया। इस पूरी मजबूती और फाउंडेशन के साथ मेरा फ्लैट बन रखा है, आई स्वेयर, बहुत बड़े लोकेशन पर, बहुत बढ़िया फ्लैट है। तो दोस्तों बातें तो बहुत होगी, आपको बता दिया मेरा फ्लैट का थोड़ा स्टोरी, ये वाली स्टोरी हमारी क्या थी, हमने इसमें कैसे हमने स्टार्ट करा। मेरे को अच्छा लगता है अपने दिल की बातें अपने व्यूअर्स से, मेरे दोस्तों से, मेरे माताओं से, पिताओं से शेयर करने के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे चैनल को ना इसी बात को सब्सक्राइब करते जाएंगे, मेरे हर जगह को फॉलो करते जाया करें कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, हमेशा आपके साथ रहूँ। और तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं मेरा फ्लैट, जहाँ पे हम घूम रहे हैं अभी, फ्लैट में दमदार शानदार चीज, एक बार फॉल सीलिंग देख लीजिए गाइस, इतनी प्यारी फॉल सीलिंग, इतना प्यारा काम शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। इस झूमर से लेके फॉल सीलिंग सारी सिस्का ब्रांड की लाइटिंग, झूमर देखिए सर, सर 12,000 रुपए का झूमर है वाला, बिल दिखाऊंगा आपको, 12,000 का झूमर तुम्हारा भाई खुद खरीद के लाया था, इतना गजब झूमर, कुछ कहने की नहीं सर, एकदम जेन्युइन वाली चीज लगा रखी है। और लाइटिंग सर, कोव लाइट जो इसके अंदर लगी हुई है ना येलोइश कलर की फॉल सीलिंग में, सर बहुत गजब चीज दिखाती, सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज, लाल लुक निकल के आती गाइस, आप सोच भी सकते गाइस क्या चीज आ रही निकल के। और झूमर के साथ में जो मैंने ऊपर वॉलपेपर लगा रखा है ना, इसकी लुक को ऐसी एनहांस कर देता है कि ना एक इंसान को ना समझ आ जाए यार चीज बना रखी है। सेम वॉलपेपर वही झूमर वाले फॉल सीलिंग की तरफ लगा रखा है गाइस, बहुत बढ़िया चीज है गाइस लगने भाई। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा नक्शा समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे इस वाले फ्लैट की। देखिए सामने की तरफ का किचन, किचन की आर देखिए, पूरा कांच से मेरा सजा हुआ फ्लैट है गाइस, कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिख रही, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल बढ़िया काम कर रखा है। सामने 2 रूम हो गए, एक रूम इस साइड पे हो गया, मतलब 2 रूम मेरे इस साइड पे और एक रूम इसके पीछे है, हमारे लिविंग के पीछे। अब हम चलते हैं सबसे पहले गाइस बालकनी वाले रूम में, आ जाओ गाइस दिखाता हूं आपको बालकनी वाला रूम कितनी बढ़िया लुक में गाइस होने वाला है, दमदार शानदार गजब, मतलब मेरे को वर्ड नहीं सर, जहर है इसको फ्लैट का, पता क्या बोलूंगा, जहर जहर, इतनी कदरदार चीज है, मजेदार चीज है, सोच भी नहीं सकते गाइस। आप देखिए कितना प्यारा वर्क कर रखा है गाइस, यहां पे पूरा आपका काम करा रखा है, पूरे मतलब आपके अलमीरा का सेक्शन इस साइड में तो एकदम गहरी डीप एकदम हमारी पूरी मतलब अलमीरा सेक्शन, और यहाँ पे लगाइए अपना बेड, मतलब लगने के बाद बेड लगने के बाद उस रूम में आप रात को सो गए ना, आपको आएगी समझ आएगी कि यार चीज थी भाई, जब पुलकित भाई थे कमल से ली थी एक्चुअल में चीज है। तो दोस्तों एक बार फॉल सीलिंग चेक करिए, कितनी गजब और डिसेंट लुक में फॉल सीलिंग आ रही है। जब इतना बढ़िया फ्लैट बना दो ना तो डिसेंट फॉल सीलिंग ही बनती है, हचल पचल मचल कचल कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल डिसेंट और प्यारा वर्क। और सामने देखिए सर किंग साइज का टीवी पैनल, एनहांस करता है लुक, बढ़ाता है लुक, नहीं बढ़ाता, सच बताना गाइस, देख रहे हो कितना प्यारा टीवी पैनल लग रहा है, एकदम बढ़िया लुक दे रहा है, और अच्छे स्ट्रेच्ड एरिया में हमारा पूरा टीवी पैनल है। और सामने गाइस ये हो गया मेरा बालकनी वाला सेक्शन, यहाँ पे होगा मेरा डोर, और यहाँ पे लगा लीजिए अपना विंडो एसी, यहाँ पे डोर का पैनल, विंडो का पैनल, विंडो पैनल में एक साइड तो मैंने दे दिया जाली का पल्ला, एक दे लोहे का पल्ला, एक दे कांच के मतलब कान का, मतलब एक ही विंडो में 3-3 सेक्शन, क्यों करा सर, क्वालिटी कमल ऐसे सिर्फ उधर पहचाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए गाइस, सच बता रहा हूँ क्वालिटी वाला काम ही करते हैं हम लोग। और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी, आइए गाइस मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी हमारी स्ट्रेचफुल बालकनी है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अच्छी गाइस स्पेशियस बालकनी है, आराम से इजीली मैं देख सकता हूँ पूरा चल के। और पूरी बालकनी पे सर हमारा काम टाइलिंग से हो रखा, पूरी एलिवेशन मेरी टाइलिंग से हो रखी है। और बैक साइड में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, कैमरामैन आप इधर आ जाइए प्लीज़, यहाँ पे सर मेरा होगा वॉशिंग सेक्शन, यहाँ पे पावर का स्विच दे दिया, यहाँ से अपनी वॉशिंग वगैरह कर सकती है, यहाँ पे टैप दे दिया, पूरी ग्रिलिंग SS 304 की, जिस पे कोई जंग का कोई चांस नहीं लगता। आइए गाइस अंदर चलते हैं, अब हमारा बालकनी वाले रूम के साथ में ही किचन है और सामने कॉमन वॉशरूम है, पहले कहाँ जाओगे, चलो पहले किचन में चलते हैं, लेडीज होती है ना उसका किचन से प्यार होता है, एकदम बढ़िया और जेन्युइन और मजेदार एकदम स्पेस में किचन है। सर देखिए पहले काम, कितना प्यारा डेकोरेटिव आइटम मेरे किचन में हो रखा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी, यहाँ पे अपनी 2 शैंपेन की बोतल सजाओ, कसम सही बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा, यहाँ पे अपने 2 शैंपेन की बोतल सजाओ, यहाँ पे अपने डेकोरेटिव, यहाँ पे डेकोरेटिव, यहाँ पे डेकोरेटिव, फिर एक और शैंपेन, फिर एक और शैंपेन, 4 शैंपेन रखने की जगह दी तुम्हारे भाई ने, 4 शैंपेन मेरी तरफ से गिफ्ट हो तुम्हें गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, तुम्हारा भाई देगा 4 शैंपेन की बोतल, हमेशा बोलते ना गिफ्ट, ये वाला गिफ्ट तुम्हारे भाई की तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5 आई एम सॉरी सर 5 शैंपेन की आ सकते, तो 5 दूंगा, जितनी स्वेद उतनी दूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है तो मुमकिन है, सच बता रहा हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए और अच्छी चीज लाऊंगा हमेशा की तरह। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ्लैट का किचन, जो ये राजा होगा ना फ्लैट का, उस रानी के लिए किचन है, बढ़िया स्पेशियस किचन, अच्छा खासा लंबा चौड़ा स्पेस निकला होगा, पूरा जेन्युइन काम, पूरा ग्रेनाइट हमारा 2 इंची के पत्थर में पूरा का पूरा, देख सकते हैं गाइस,
और पूरी हिंडवेयर ब्रांडेड चिमनी। एक बार कैमरा हिंडवेयर में हमारा फोकस डाल के दिखा दीजिए गाइस, बिल्कुल ब्रांडेड और जेन्युइन काम का, कोई दिक्कत और परेशानी वाले काम नहीं गाइस। अब दिखाता हूं इस अलमीरा का सेक्शन गाइस, कितनी स्पेशियस अलमीरा है आप देख सकते हैं गाइस, इतना मतलब अच्छा लुक निकल के आ रहा है, कुछ कहने की बात नहीं गाइस। और गाइस ऊपर देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी फोकस लाइट, पूरा इसकी लुक को ऐसा एनहांस करती है, कुछ कहने की बात नहीं गाइस। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सर स्विचेस, यहाँ पे स्विचेस है माइक्रोवेव के और यहाँ पे एक और स्विच दे दिया। और गाइस यहाँ पे हमारे नॉर्मल स्विचेस होंगे जो इलेक्ट्रिक के लिए, जो मैं लाइट मतलब लाइट वगैरह के लिए, और सामने हमारा होगा वेंटिलेशन के लिए सर, एक और हमारे यहाँ पे जगह हुई। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, देखिए कितनी प्यारी किचन आ रही है, पूरी मॉडल किचन पूरी वुडन लुक में बनी हुई है, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग इस साइड में वुड, इस साइड में वुड, हर जगह पूरी वुडन लुक में। और देखिए सर कितनी प्यारी मॉडल किचन है, आप देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी खासी मॉडुलर किचन हमारी बनी हुई है, निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूं, बकेट्स कितने अच्छे खासे बकेट सर। एक बार कैमरा में इधर से दिखाने की कोशिश करिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा सर, कितनी अच्छी लुक आ रही है, आप देख सकते हैं पूरी वुडन में लुक, आप देख रहे हैं गाइस पूरी वुडन लुक, आप देख लो पूरी की पूरी, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है पूरा हमारा काम सारा वुड में ही हो रखा है गाइस, और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब डिसेंसी लुक आ रही है। दोस्तों और चीज होता हूँ, देखिए कहाँ कहाँ पैसा बचा सकते हैं, आप देख रहे हैं इसके नीचे से और ऊपर तक पूरा सर टाइलिंग का काम है, कहीं भी किचन में पेंट का काम नहीं छोड़ा, पूरी की पूरी टाइलिंग से हमारी किचन डिजाइंड है, एकदम रॉयल लुक आती है सर पूरा, कहीं भी छोंक लगे कुछ लगे कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, अपना कपड़ा मारा हाथ मारा आपका साफ हो गया। और यहाँ पे अपना चूल्हा सेक्शन का अपना सेक्शन लग सकते हैं, और सर यहाँ पे मैंने दे दिया अपना सिंक का एरिया, आप देख सकते हैं एक बार अच्छी खासी इसमें स्पेस में सिंक बन रखा है, देखिए पानी भी आ रहा है, ऐसा करो ना हो जाए करना, तो कीप वॉचिंग योर हैंड्स गाइस, आई ऑलवेज रिकमेंड एंड ऑलवेज डू ऑल्सो। तो गाइस आप लोगों के लिए हमेशा मैं सजेशन दूंगा कि प्लीज बच के रहिए। दोस्तों मैं किचन से बाहर आया, यहाँ पे हमारे लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने हमारा किचन है, और साइड में हमारा वॉशरूम, आप देख सकते हैं वॉशरूम, यहाँ पे दो रूम और एक वॉशरूम, ये वाला रूम में अभी होके आ चुके हैं, बालकनी वाला रूम है, ये दूसरा रूम है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पहले वो क्या नाम है वॉशरूम। तो गाइस आप देख रहे हैं गेट, गेट जो सर पूरा ग्लॉसी लुक में 1 mm का माइका है, और ऊपर स्टील का काम, मतलब वॉशरूम का गेट भी वैसा है और रूम का गेट भी वैसा है, तो मतलब कंजूसी इसमें भी नहीं करी, बिल्कुल जेन्युइन काम कर गाइस। अब मैं दिखाता हूं सर वॉशरूम, वॉशरूम में सारी सर एंड टू एंड टाइलिंग रखी, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी टाइलिंग का काम हो रखा है, पूरी वेस्टर्न सीट किस क्वालिटी का वो दिख रही है, पूरा व्हाइटिश में एक अलग सी लुक आती है सर बता रहा हूँ, और पूरी नीचे मोटो ब्रांड की एंटी स्किड टाइल जगह है, आप देख सकते हैं एक बार अंदर की तरफ कोशिश करिए दिखाने कैमरा में, सामने वेस्टर्न सीट है हमारी पूरी की पूरी सामने, और ऊपर की तरफ हमें दे दिया शॉफ्ट का सेक्शन फॉर एयर सर्कुलेशन, और राइट साइड में हमारा गीजर लग जाएगा, गीजर के लिए पावर का स्विच दे रखा है, ठंडा गर्म का सेक्शन देख सकते हैं, तीन टैप्स नीचे दे रखे हैं, और यहाँ पे हमारा हो गया वॉशिंग, वॉशिंग एरिया यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे, जैसे कि 3 BHK का फ्लैट है, मैंने पहले रूम में चला गया, अब चलता हूँ दूसरे रूम में। गाइस मेन चीज बताना भूल गया, जो मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ, इसकी सर फ्लोरिंग, आप एक बार फ्लोरिंग पे लुक तो दिखा दो कैमरामैन, क्यों ऐसे कर रहे हो, गजब फ्लोरिंग सर, मोटो ब्रांड की सारी टाइलिंग का वर्क करके, और इतनी प्यारी सर फ्लोरिंग का आप देख सकते हैं काम, इतनी चमचम कर रही है कि मैं और मेरा कैमरामैन दोनों को दोनों कंघी मार के अपने बाल सेट कर ले, इतनी सर चमक आ रही है पूरी फ्लोरिंग पे, आप खुद आके देखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे क्या चीज बना रही है तुम्हारे भाई ने, सच बता रहा हूं बहुत गजब चीज लग रही है। अब मैं लेके जाऊं सर आपको मास्टर बेडरूम की तरफ, मास्टर बेडरूम कम कपल बेडरूम सर, जेन्युइन चीज, राजा वाली चीज और मजेदार चीज, एक बार आइए अंदर दिखाता हूं फिर आपको समझ आएगा क्या चीज है। देखिए गाइस क्या लुक आ रही, क्या वॉलपेपर है, शानदार मजेदार एकदम गजब चीज है सर, सर बता रहा हूं दिल आ गया मेरा, खुद का रूम ऐसा बनाऊंगा मैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लाइट के साथ इसकी ब्यूटी को एनहांस किया जा रहा है, और कैमरामैन एक बार इसकी फॉल सीलिंग, डिसेंट फॉल सीलिंग, एकदम पूरी वॉल हैंगिंग फॉल सीलिंग है, बहुत अच्छी लुक दे रहा है, बहुत मजेदार लुक दे रहा है। देखिए एक बार पूरी सिस्का की 2 ईयर वारंटी के साथ हमारी लाइटिंग है, और अंदर सारी कोव लाइट, येलोइश कोव लाइट इसकी ब्यूटी को ऐसा एनहांस करता है, पूरी रॉयल लुक और राजा लुक आती है, सच बता रहा हूं मैं खुद अपना जो पर्सनल रूम है ना, मेरी भी शादी नहीं, शादी करूंगा तो इससे ऐसा ही रूम बनाऊंगा, मजेदार रूम है। और मेन चीज दिखाता हूं क्यों ये कपल रूम है, क्यों मैंने इसका नाम कपल रूम रखा, मास्टर बेडरूम रखा, आप देखिए सामने कितना ग्रैंड साइज का टीवी पैनल, और साथ में हमारी भाभियों के लिए यहाँ पे शीशा लगा दिया, अब देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी लुक आ रही है, आपका ड्रेसिंग कम टीवी पैनल हो गया गाइस, ये दोनों चीजों का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी आप एक्सेसरी रख लीजिए, अपना यहाँ पे ड्रेसिंग का अपना सारा काम कर सकते हैं, ड्रेसिंग कम टीवी पैनल में एक्चुअल में अच्छी लुक आ रही है गाइस,
देख सकते हैं, ये भी ग्रैंड साइज का, मतलब एक रूम के हिसाब से एक्चुअल बहुत अच्छा बड़ा सा हमारा टीवी पैनल है। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने हमारे मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है, मतलब ब्राउनिश एंड डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउनिश कलर में एक्चुअल में रॉयल फीलिंग आ रही है। एक बार दिखाने को कैमरामैन क्या लुक आ रही है हमारे वॉशरूम की। सामने गीजर का सेक्शन दे दिया, सामने पावर का स्विच दे दिया गीजर के लिए, नीचे वेस्टर्न सीट के साथ में हमारी लुक इतनी एनहांस होती है कुछ कहने की जल्दी। बहुत अच्छी येलोइश लाइट में हमारा वॉशरूम डिजाइन है, कैमरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी इसकी जो लाइटिंग है सारी वो येलोइश कलर है, रूम की लाइटिंग व्हाइट कलर है और अंदर वाली येलोइश कलर है, मतलब बहुत अच्छी वार्म लुक में, बहुत प्यारा सिस्का की सारी लाइटिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अब बाहर की तरफ, आइए गाइस बाहर चलते हैं। तो गाइस हम अभी सेकंड रूम से बाहर आए हैं, अब हमारा जाने का नंबर है थर्ड रूम की तरफ। तो थर्ड रूम से जाने से पहले मैं दोबारा लिविंग एरिया में आ गया हूँ, थोड़ी सी बोलते बोलते प्यास लगी, थोड़ा मैं पानी पी लूँ गाइस, थोड़ा सा पानी पीता हूँ एक सेकंड। तो दोस्तों लिविंग एरिया में इतना अच्छा खास स्पेस है, मन ही नहीं कर रहा थर्ड रूम की तरफ जाने की तरफ, इतना गजब सर लिविंग एरिया। आप लिविंग एरिया के बिल्कुल इस साइड पे सामने की तरफ हमारा थर्ड रूम है। और सर मैं एक चीज तो बताने भूल गया, देखिए सर लिविंग एरिया के स्प्लिट एसी का प्रोविजन यहाँ पे छोड़ रखा है, पूरी वायरिंग को मतलब और कॉपर का हमारा पाइप और पूरी की पूरी पावर की वायरिंग आप देख सकते हैं। और इस साइड पर दे दिया सर इसका स्विच सेक्शन एमसी सेक्शन यहाँ पे दे दिया। अब गाइस हम चलते हैं थर्ड रूम की तरफ, आइए गाइस ये हमारा थर्ड रूम की एंट्री है गाइस, आप देख सकते हैं शानदार फॉल सीलिंग, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में फॉल सीलिंग करा रखी है, एकदम मजेदार एकदम डिफरेंट कंसेप्ट एंड डिफरेंट लुक में, पूरी वॉल हैंगिंग में पूरी हमारी फॉल सीलिंग है, पूरी मतलब एक लुक एनहांस करती है गाइस बहुत अच्छी लुक के साथ है। और दोस्तों सामने इसकी स्लाइडर अलमीरा आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, सर 40,000 रुपए लगते हैं ऐसी अलमीरा बनाने के लिए, हल्की अलमीरा नहीं बड़ी अलमीरा एकदम, आप देख सकते हैं कितनी स्पेशियस अलमीरा है, पूरी स्लाइडर डोर वाली अलमीरा हमारी देख सकते हैं गाइस कितनी बड़ी अलमीरा निकल के आ रही है। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस रूम का टीवी पैनल, तीनों रूम में टीवी पैनल दे रखा है तीनों रूम में, और ड्राइंग रूम में भी सॉरी जो लिविंग एरिया था उसमें भी दे रखा है, इससे पूरा बड़ा सा स्ट्रेच एकदम रूम के हिसाब से अच्छा खासा टीवी पैनल है गाइस। मेन चीज देखिए पूरा इतना बड़ा विंडो का सेक्शन, जैसे कि एल टाइप है तो बालकनी की तरफ निकल रहा है हमारा सारा, ये बालकनी की तरफ निकल रहा, तो पूरी की पूरी सर यहाँ पे विंडो का सेक्शन दे दिया। मैं आपको खोल के दिखाया था कितनी अच्छी लुक आ रही है, पूरी की पूरी हमारी यहाँ पे बालकनी निकल जाएगी, यहाँ पे विंडो सीलिंग, विंडो सीलिंग के लिए ऊपर की तरफ दे दिया हमने पावर का स्विच एकदम ऊपर, पूरी की पूरी हमारी यहाँ पे बालकनी एकदम मस्त से लुक आती है गाइस। शाम को आराम से बैठो शीशा खोल के, कभी कभी तो फ्रेश एयर भी चाहिए, सारा दिन इसे चलाओगे कभी ना कभी तो फ्रेश एयर अच्छी लगती है। दोनों साइड में हमने सारी विंडो में आप देख सकते हैं पूरे लोहे के पल्ले से इसको सिक्योर करके, सारे के सारे आयरन के पल्ले सर, और विंडो भी सर ट्रिपल विंडो है सारी की सारी। दोस्तों चलो अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, और गाइस ये पंखे तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, तो डोंट वरी टेंशन ना लो, सारे ओरियन कंपनी के ब्रांडेड 2 साल वारंटी के साथ में सारे पंखे, तो डोंट हैव टू वरी गाइस, बहुत गजब चीज है और बहुत अजब चीज है सच बता रहा हूँ। तो जैसे ये गाइस ये वाला मेरा बड़ा प्लॉट है, पूरी मैंने मल्टी स्टोरिंग बना रखी है, इसमें काफी सारे मेरे फ्लोर्स हैं, तो अभी हम 3 BHK में खड़े हैं, अब हम जा रहे हैं 2 BHK 3 BHK की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस आइए। तो दोस्तों मैं आपको मेन चीज तो बताने भूल गया, प्लॉट का नक्शा आ जाता तुम्हारे भाई ने दिल की बात सुना दी अपनी, थोड़ा हमने प्लॉट को कैसे बनाया था, क्या कंस्ट्रक्शन में आए थे हमारे, कुछ तो हमने काम करे थे। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताऊँ, इस पे एक फ्लोर पे 7 है, मतलब पूरी नीचे 500 की पार्किंग, और एक फ्लोर पे पूरे 7 हमारे फ्लैट बनते हैं, और ना मतलब एक सोसाइटी पूरी सोसाइटी की तरह मतलब लुक आती है, नीचे एकदम पूरी फुल कार पार्किंग और 7 फ्लोर है। एल में 2 निकाल दिए, 3 साइड का ओपन प्लॉट है ठीक है, एल में 2 निकाल दिए 3 BHK, और बीच में और साइडों में निकाल दिए 2 BHK, टोटल 7 है, समझ गया ना नक्शा कैसा। नक्शा आप कहोगे तो मेरे ऑफिस में आके देख सकते हो, देयर इज नो वरी। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ हमारी जो हमारी बालकनी है सर, बालकनी की बात करूँ सारी की सारी बालकनी में 2 लिफ्ट है सर, 2 लिफ्ट 2 स्टेयरकेस पूरा मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ, आइए गाइस मतलब सोसाइटी कैसे बना रखी है बिल्कुल सर। यहाँ पे एक लिफ्ट होगी और उसके पीछे एक और लिफ्ट है जो उधर सेक्शन है, मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ जैसे हमारी 2 सीढ़ियाँ कैसे निकलती हैं, 1 स्टेयरकेस ही वाला होगा हमारा, और सामने एक और स्टेयरकेस है गाइस, वहाँ पे पीछे की साइड में राइट लेफ्ट साइड में जाएंगे वहाँ पे हमारी दूसरी लिफ्ट है, तो दोनों के दोनों ब्रांडेड और 2 साल की वारंटी के साथ 2 साल की EMC के साथ हमने लिफ्ट का बना रखी है। अब गाइस मैं लेके चलता हूँ 3 BHK नक्शा, समझिए कैसा बन रखा है, अब दिखाता हूँ 2 BHK नक्शा गाइस, छोटा फ्लैट बट काम वही 3 BHK वाला और दमदार और मजेदार, आइए गाइस मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम आ गए 2 BHK वाले फ्लैट में, सेम आप देख सकते हैं लुक दमदार और शानदार सर, इसके सामने ना होटल नहीं बोलूंगा,
इसको बताइए बोलो फाइव स्टार लुक एक्चुअल में गाइज। एक बार देखिए हर एक वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ गाइज, एक वॉल दूसरी मतलब इन सेक्शन में वॉल पर प्लस इस वाली वॉल पर सेक्शन पूरा वॉलपेपर इधर पूरा वॉलपेपर गाइज वॉलपेपर में देख लेगा कंजूसी कहीं नहीं कि एक्चुअल में पैसा लगा के दमदार चीज निकाल के तुम्हारे भाई ने और सामने इतनी बड़ी डेकोरेटिव आइटम के लिए पूरी आर्क निकाल रखी। किचन आपकी एकदम प्राइवेट है, इसके पीछे एकदम किचन पड़ती है। तो गाइज इसमें भी ना हमारा शैंपेन के इस तरह सेक्शन है, अब गिनते चलो कितनी शैंपेन तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों देने वाला गाइज। जो लंबे लंबे सेक्शन है एक या दो या तीन या चार, तुम्हारा भाई की तरह चार शैंपेन इस फ्लैट में गिफ्ट है गाइज। तो जल्दी जल्दी आओ शैंपेन गिफ्ट लेने दो गाइज। आप देख सकते हैं इसकी छोटी प्यारी फोकस लाइट जो लगा रखी है कितनी अच्छी लुक आपको एनहांस करती है आपके फ्लैट की, आप देख सकते हैं और अच्छा लगता है गाइज। और गाइज यहाँ पे हमने एक छोटा सा हमने दे दिया लाइटिंग का सेक्शन और यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम है, यहाँ पे हमारा रूम है और सामने किचन और राइट साइड में हमारा एक और रूम है जो बालकनी वाला रूम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइज इतनी प्यारी लुक आ रही है, आप देख रहे हैं ना दमदार चीज। डोर क्लोज होने के बाद जब आपका यहाँ पे सोफा लगेगा आपके घर में गेस्ट आएंगे पहली बात तो कितनी प्यारी लुक आएगी, 2 BHK वालों के लिए बहुत प्यारी लुक आएगी। यहाँ पे आपका सोफा लग गया और यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम है, जिसको भी शौचालय या वॉशरूम जाना है आपके रूम में जाने की जरूरत नहीं है, सामने आपका हो गया कॉमन वॉशरूम गाइस। अच्छी खासी स्पेस में वॉश कम बाथ निकाल रखा तुम्हारे भाई ने, पूरी एंड टू एंड टाइलिंग के साम पूरा साथ में और सामने सर मेरी पूरा शॉप का सेक्शन है, सामने गीजर सेक्शन दे दिया और वेस्टर्न सीट के साथ मेरा एकदम व्हाइट टाइलिंग के साथ में लुक जो आ रही है गाइस दमदार लुक आ रही है, मतलब मजेदार लुक आ रही है, सच बता रहा हूं अच्छा लुक आ रहा है एकदम। पूरी मोटो कंपनी की एंटीस्केट टाइल के साथ पूरी मेरी वॉशरूम की टाइलिंग और के नीचे की। और गाइस इसकी फ्लोरिंग की बात करूं एक बार कैमरा नीचे दिखाइए, पूरी इसकी भी गाइस मोटो कंपनी की ही मेरी सारी टाइलिंग का वर्क और है, फ्लोरिंग के वर्क में दम आता गाइस जब ऐसी फ्लोरिंग हो जाए तो। अब मैं गाइस आपको दिखाने की कोशिश करता हूं हमारा जो रूम है जो हमारे लिविंग एरिया के साथ में ही है, आइए गाइस दिखाता हूँ सर अच्छा खासा स्पेस में निकला रूम है, आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग के साथ दिखाते हैं हमारा कैमरामैन, आप देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी लुक में फॉल सीलिंग है अंदर पूरी कोव लाइट के साथ में और सामने हमने दे दिया अलमीरा का सेक्शन, एकदम बड़ी स्लाइडर अलमीरा गाइस बड़ी स्लाइडर अलमीरा। मैं दोनों का सेक्शन खोल के दिखाता हूँ, पूरी स्पेशियस अलमीरा है आप देख सकते हैं पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब फ्रॉम द रूफ टिल द एंड पूरी की पूरी एंड टू एंड हमने अलमीरा बना रखी अटैच अलमीरा स्लाइडिंग अलमीरा। सर ये वाली अलमीरा बनाने में 40,000 रुपए खर्चा आता है, अब देख रहे हो कितनी प्यारी हमारी अलमीरा का सेक्शन डिजाइंड है। और इसके अंदर भी सर हमने ना पेंट नहीं कर रखा, इसमें सर सारा माइका काम हो रखा, आप देख रहे हो कितना प्यारा लुक आ रहा है, टोटल माइका काम में हमारा काम हो रखा है। और सामने सर इसका टीवी पैनल एकदम बड़ा किंग साइज का टीवी पैनल लग जाएगा, साथ में हमने दे दिया सर विंडो वही तीन पल्लों के साथ में लोहे की कांच के और जाले के तीन पल्ले लगा के ऊपर हमारा विंडो एसी का सेक्शन, विंडो एसी के लिए यहाँ पर देते पावर का स्विच और ये एरिया हो गया, यहाँ पे अपना कुछ भी डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं। तो गाइस आइए बाहर की तरफ, अब आपको लेके जाना वाला हूँ किचन में। देखिए अभी आप लिविंग एरिया में बैठे हैं, अभी आप कुछ पका रहे हो कुछ सजा रहे हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, पूरी सेपरेट किचन आपकी होने वाली है। गाइस इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जाते जाते ना एक चीज बोलना चाहूंगा दिल से, सर चैनल को सब्सक्राइब करो, लंबी थोड़ी हो रही है मेरी वीडियो मानता हूँ थोड़ी सी लंबी हो रही है बट एक्चुअल में सर दमदार फ्लैट है इसीलिए दिल से लंबी कर रहा हूँ सर, पूरा दिखाना चाहता हूँ एंड टू एंड तक कि क्या चीज तुम्हारे भाई ने बना रखी है और पूरे दिल्ली शहर में एक्चुअल में चीज अवेलेबल है, ना ही गुड़गांव में ना ही नोएडा में ना ही कहीं पर सर ऐसी चीज है। तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सर सच बता रहा हूं मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, लाइक कीजिए कमेंट कीजिए गाइस। तो दोस्तों अब चल रहे हैं किचन की तरफ, देखिए सर कितनी प्यारी हमारी किचन है, काफी अच्छी खासी पूरी वुडन लुक देखिए, कंजूसी नहीं कर रखी है और पूरा टाइलिंग का काम आप देख रहे हो सर पैसा काम लगा रखा है पूरा टाइलिंग का। सामने सर हमारा होगा शॉफ, सामने का सिंकेज का एरिया पूरा वही 2 इंची का सर ग्रेनेड प्लस यहाँ पे भी ग्रेनेड लगा दिया कि आपका एक सिक्योरिटी रीजन से हमने यहाँ पे भी लगा दिया। और सर सारी की सारी मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी मॉड्यूलर किचन प्लस सामने हिंडवेयर की पूरी ब्रांडेड चिमनी गाइस, वही सारा काम हो रखा है और यहाँ पे पावर के स्विच दे दिए, वही बिल्कुल डिट्टो अलमीरा का सेक्शन जैसे हमारे बड़े फ्लैट में था वैसे ही छोटे फ्लैट में भी गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस सेकेंड रूम जो हमारा 2 BHK का फ्लैट है जैसे, तो सेकेंड रूम जो बालकनी वाला रूम है गाइस। तो गाइस मैं आपको बल्कि चलता हूँ सेकेंड रूम की तरफ, अच्छा खासा मतलब आप देख रहे हैं बालकनी का कितनी अच्छी खासी स्पेस है और शाम की चांदनी हो रही है और आपको पता है पंजाबी है हम ना प्योर पंजाबी है, आप देख सकते हो मेरे खंडा साहब हमारे पास विराजमान है तो हम लोग ना शाम को थोड़ा ना दवाई लेते हैं खांसी की, आपको पता है थोड़ा हमारा पंजाबी होगा टाइम होता है खांसी की दवाई लेने का। तो मैं अब जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करने के मूड में हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम होगा और मेरे को भी कहीं ना कहीं निकलना है। अब गाइस देखिए वॉलपेपर
कितना शानदार लुक का वॉलपेपर आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया लुक आ रही है। सामने लाइटिंग छोटी सी प्यारी सी जिसकी लुक को एनहांस करता है, और फॉल सीलिंग के साथ साथ गाइस दिखा दीजिए इसके एक बार कोव लाइटिंग कैसे हो रखी है। लाइटिंग कोव येलोइश में एक्चुअल में सर बहुत अच्छी लगती है। मतलब किसी को मेरे से फ्लैट लेना ना, अगर नहीं मिले कोई बात नहीं, वीडियो जरूर देखो और गाइस ऐसी लाइट लगवाना अपने घर में भी। और सामने सर पूरा का पूरा क्या है सर, ये भाभियों के लिए मतलब कपल रूम, मेरी भाभी के लिए यहाँ पे मैंने सर दे दिया सेक्शन। आप देख रहे हैं पूरा ड्रेसिंग का सेक्शन यहाँ पे लगा दिया, पूरा बड़ा सा टीवी पैनल यहाँ पे, अपना टीवी लगाइए, नीचे डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे हमारे दो हमारे ड्रॉर्स हो गए आप देख सकते हैं। ये ड्रॉर थोड़ा खुल नहीं रहा, मैं चेक करवाऊंगा, माइट भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहली बार हुआ नहीं खुल रहा है, जैसे चेक फिक्स इट आउट तो खुल गया सर, कोई दिक्कत नहीं, खुल गया, कुछ खराबी नहीं, टेंशन मत लो, कई बार हल्का था हटक जाता है। अब गाइस मैं दिखाता हूँ आपको बालकनी, बालकनी जाने से पहले अपने वॉशरूम देखते जाओ गाइस, मास्टर बेडरूम है सर, मास्टर बेडरूम वॉशरूम देखिए, पूरा वॉश कम बाथ के साथ हमारा पूरा एंड टू एंड टाइलिंग के साथ में वॉशरूम डिजाइंड है, पूरी ब्राउनिश टाइल्स, पूरा का पूरा सर जेनवन काम, एंटी स्किड टाइल नीचे फ्लोरिंग में लग रही है, पूरी वेस्टर्न सीट प्लस यहाँ पे वॉशिंग का सेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं सामने शॉवर का सेक्शन हो गया, एक बार दिखा दीजिए कैमरा में शॉवर के सेक्शन से, पहले पहले यहाँ पे दिखा दीजिए गीजर का सेक्शन, गीजर के पावर के स्विच भी दे रखे हैं, और सामने पावर का यहाँ पे शॉवर का सेक्शन हो गया, शॉवर के सेक्शन सामने ही सर हमारा शॉफ्ट हो गया फॉर द वेंटिलेशन ऑफ द वॉशरूम, यहाँ पे हमारा विंडो इसी लग जाएगा और यहाँ पे हमारा विंडो का सेक्शन हो गया। अब हम बालकनी के साथ चलते हैं, बालकनी का एक बार मैं गेट खोलूंगा इस, तो गाइस मैं आपको ना मेन चीज जो हमारी बालकनी में जाने से दिखाता हूँ, देखिए हमारे लॉक सर लॉक सेक्शन कैसा डिजाइन था हमारा, आप देख सकते हैं 1 और 2, आप देख सकते हैं पूरा सिक्योरिटी को एनहांस करके हमने 3 लॉक सिस्टम ट्रिपल लॉक सिस्टम के साथ हमारा लॉकिंग का सिस्टम है, तो यू डोंट हैव टू वरी, मतलब इस पे आपको ना अगर बालकनी आपकी लॉक हो जाएगी तो इजीली कोई खोल नहीं सकता, मतलब पूरे पूरे अच्छे लॉक सिस्टम के साथ है, बाकी चोरों को ना चाबी की जरूरत नहीं होती, मतलब समझ रहे हो ना, तो मतलब ये अपनी तसल्ली के लिए, ताला हमेशा ना शरीफ आदमी के लिए तसल्ली के लिए होता है, सच बता रहा हूँ गाइस। अब आइए गाइस जो बड़ी सी हमारी बालकनी है कि काफ़ी अच्छी खासी स्पेशियस बालकनी निकल के आती है, पूरा वॉशिंग का सेक्शन आराम से बना सकते हैं, और सामने गाइस हो गया हमारा स्विच पावर का स्विच, और यहाँ पे गाइस हो गया हमारा टैप का सेक्शन। तो गाइस फ्लैट दिखाया दमदार शानदार, दिल ना खुश हो गया फ्लैट दिखा के, और गाइस इतनी मेहनत करता तुम्हारा भाई यार, तुमसे क्या मांगता है, लाइक शेयर कमेंट करो सर, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब। और दोस्तों एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, जाते जाते पता क्या, एक बार पार्किंग का व्यू देखो कितनी प्यारी बड़ी पार्किंग है गाइस, मजा आ गया देख के। अभी मैं पार्किंग की तरफ अभी कैमरामैन को भेजूंगा, आपको पूरी कैमरा के फोकस से पूरी लाइव पूरी हमारी दिखेगी पार्किंग, कितनी प्यारी गजब पार्किंग है, एकदम मस्त चीज बन के आ रही गाइस। और गाइस इस फ्लैट को लेने के लिए गाइस जल्दी से जल्दी आइए मेरे ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कीजिए 8448440765। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है मेरे ऑफिस का नंबर नहीं मिलता, तो डू नॉट एवर वरी फॉर दैट, आप डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आकर विजिट कर सकते हैं। मेरे ऑफिस का एड्रेस अभी आपको इधर ही एकदम से समझा देता हूँ, आप उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के नीचे उतरे या गाड़ी पे आए या मेट्रो तो अभी चल रही है दिल्ली शहर में जैसे कि, तो डोंट वरी आप उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो की तरफ आए, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से आगे ही आगे थोड़ा सा जाएंगे 691 पिलर नंबर है, 691 पिलर नंबर के साथ में है बिल्कुल सामने एकदम बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में गली जा रही है, दैट इज दयालसर रोड में अंदर घुसोगे हमारे डीलर मंडी के अंदर आप एंट्री करोगे, चौक क्रॉस करना गाइस, आपने अंदर घुसे चौक आएगा, चौक को क्रॉस करने के 10 कदम और चलना, मतलब 10 कदम पे एल शेप में मेरा ऑफिस है कमल एसोसिएट्स के नाम से गाइस, आप आ सकते हैं 11 से 7 हमारे वर्किंग आवर्स हैं, मैं कई बार नहीं मिल पाता गाइस तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए कि पुलकित जी कहाँ है सर, कोई बात नहीं मैं भी इधर की इधर होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे मुझे देकर जाना कोई दिक्कत नहीं है, पैसे के टाइम पर मैं आपसे जरूर मिलूंगा, बाई चांस कभी नहीं मिल पाता मैं सर, साइट विजिट मेरे को भी मैं साइट तैयार भी करानी है, साइट पर काम भी कराना है, प्लस आप भाइयों के लिए वीडियो शूट भी करना है, तो गाइस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर रहा तुम्हारा भाई, आप लोगों का प्यार चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, जय हिंद जय भारत जय माता दी जय भोले की।